तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और फाइनली गाइज आज PUBG मोबाइल के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है और आप लोगों को पता है कि इस बार का अपडेट इतना औसम है कि यार खेलना तो बनता था गेम। अब बेसिकली इस वाले अपडेट के अंदर हमें नई नई पावर्स देखने को मिलेंगी जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही है, प्ले जोन एनालिसिस। उसके बाद में यहाँ पर ये 8 पावर है, एक एक करके आप लोग देख सकते हैं और ये क्या काम करने वाली हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी पावर्स यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे कोई पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अभी पहले मैच से। और भी मैं इसके अलावा पावर्स के अलावा भी गेम में क्या क्या नई चीजें हैं वो भी मैं यहां पर सब दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग पहली पावर से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर देखते हैं गाइस क्या है, कौन सी पावर अच्छी है कौन सी बेकार है, मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस सबसे पहले देखो यहां पर मैं मैच में आ गया हूं और यहां पर मैंने पहली ही पावर प्ले जोन एनालिसिस सिलेक्ट कर ली है। और यहां पर आप लोग स्किल सिलेक्ट कर भी सकते हो, दोबारा चेंज भी कर सकते हो, लेकिन गेम स्टार्ट होने के बाद स्किल चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनली गेम के मैप में अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे कुछ हट आपको झोपड़ी टाइप दिखाई दे रही है, लेकिन स्ट्रेंजर टाउन यहां अब ये कुछ नया है, बेसिकली एक हेलोइन मोड आप यहां पर बोल सकते हो। जैसे मैं यहां पर आया सबसे पहले भाई गन उठाते हैं, अब भाई ये बंदा गन उठा के जा कर रहा था मुझे नहीं पता। खैर यहां पर देखो मैंने प्ले जोन एनालिसिस शुरू कर दी है और लेकिन गाइज अभी क्योंकि मैं यहां इस समय हेलोइन मोड में हूं तो मुझे नेक्स्ट प्ले जोन नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि इस समय मुझे यहां का मैप दिखाई देगा। लेकिन एक चीज दिखाता हूं, अब जो हेलोइन या फिर ये हेलोइन थीम पे बेस्ड जो ये छोटा सा मैप स्टाइल बार या एक दो जगहों पे आपको मैप में देखने को मिल जाएगा अलग ही तरीके से। अब यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पहली बात तो कुछ नया देखने को मिलता है गेम में, एंड सेकंड थिंग कि आप यहाँ पर अच्छी लूट भी आके ले सकते हैं। वैसे मुझे सही बताऊँ तो इसका सबसे जो अच्छा कॉन्सेप्ट लगा वो ये कि यहाँ पर नाइट हो जाती है आती तो हमारी आंखों को थोड़ी सी ठंडक पड़ जाती है, मतलब ये रोशनी आंखों में उतनी नहीं चुभती है। खैर अभी देखो अगर आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें मिलता है यहां पर एक हॉट एयर बलून। और ये एयर बलून ऐसा नहीं है कि आप यहां डायरेक्ट आए तो ऑन हो जाएगा, इसके लिए आपको एक या दो मिनट वेट करना होगा। जैसे मैं यहां पर आया मैंने इसको उड़ाया, देखो गाइस भाई ये बहुत ही औसम है, तुम लोग क्या बताऊं, इसको उड़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये बलून कैसा लग रहा है। खैर अभी इस बलून को तो हम उड़ाते रहेंगे बाकी सारे गेम्स में, लेकिन फिलहाल मेरे को नीचे एक बंदा दिखा और अभी हमें बाकी की स्किल्स भी कवर करनी है। तो चलो पहले नीचे कूदते हैं, इस बंदे को मारते हैं। कहां जा रहे हो भाई, इधर आ जाओ। तो चलो गाइस फाइनली अभी इस बंदे को मार दिया, वापस चलते हैं अपने बलून पे। अब आप लोगों को शायद याद हो तो एक बार एक अपडेट आया था जिसमें स्टेलवर के पास में आपको आइस देखने को मिलता था, एक बेसिकली आइस फील्ड, और वहां आप लोगों को वो होते हैं ना जो जिन पे लटक के जाते हैं, मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं पता है बट आप समझ जाओ वही चीज है। दोबारा से यहीं पर स्टेलवर में वापस आ चुकी है। अब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम देखो एक बार, ये देखो जैसे मैं यहां पे आया, अब आई थिंक यहाँ से बाहर जैसे ही आप आओगे एक साथ दिन हो जाएगा, मतलब ये चीज़ बहुत डिफरेंट है एंड कहीं ना कहीं आपको ना बहुत अच्छा फील भी कराती है। तो चलो अभी यहाँ पर चलते हैं। तो आप लोगों को शायद याद हो, अब शायद एक बार नॉस्टैल्जिया हो गया हो कि हाँ जब आइस यहाँ पर वो था, क्या बोलते हैं, आइस फील्ड था, तो अब यहाँ पर सेम यही चीज़ हमें पहले भी दिखाई देती थी। अब यहाँ पर मुझे बंदा दिखता है लेकिन भाई जिस चीज़ों में बैठा हूँ ना ये भाई इतना हिलती है, बंदे को मार पाना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, देखो। तो चलो अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। भाई सही बता रहा हूँ मुझे बड़ा मजा आ रहा था इतने दिनों बाद कुछ नया मोड खेल के। अभी तो हम लोग यहाँ पर पहली ही पावर का यूज कर रहे हैं, अभी मैं आपको सारी की सारी 8 पावर्स यूज करके दिखाने वाला हूँ। खैर यहाँ पर मुझे बंदे देखे, मैं सीधा ऊपर से नीचे कूदा, मुझे लगा मैं गया, लेकिन और यहां पर भाई सब बंदे के मरने के एनिमेशन इस गेम में लिटरली यार PUBG मोबाइल बहुत आगे निकल चुका है। अब हम कभी इसकी पीछे मतलब बराबरी तो नहीं करने वाले क्योंकि बीच माही में यार ये सारी चीजें कभी नहीं आने वाली हैं। खैर बीच माही पता नहीं कब आएगा। फाइनली बंदा दिखा गए, अब देखो भैया पिंग वगैरह तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गई आपको पता ही है। एक बंदा नॉक, फिनिश।
अब देखो यार, पिंग विंग बेकार है। खैर यहाँ पर ये सब छोड़ो, हमारी पहली स्किल्स हम लोगों ने यूज कर ली है, बट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे नया मैप ऑलरेडी दिखाई दे रहा है येल्लो कलर की लाइन से, जो कि उस स्किल की वजह से। चलते दूसरी स्किल, सप्लाई स्कैन। अब नाम से पता चल रहा है कि जो सप्लाईज है वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएंगे इस पावर को सिलेक्ट करने से। तो चलो मैंने यहाँ पर स्किल को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं रेंडमली कहीं भी कूद जाता हूँ। अब मैप के अंदर जो छोटी छोटी हट आपको दिखाई देती हैं उनकी जगह पर आपको ऐसे ऐसे घर दिखाई देने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले अपनी जो एबिलिटी है, जो अपनी स्किल है, इसका यूज करते हैं। ये देखो गाइस, भाई साहब क्या एनिमेशन है भाई। अब देखो यहां पर थोड़ी देर बाद जैसे आप ऑन कर देंगे, धीरे धीरे करके लूट सारी स्कैन होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो सारी लूट को स्कैन करता रहेगा। लेकिन उसी दौरान आपको बंदों को ही मारना है भाई। अब मेरी मौत को इग्नोर करो, लेकिन फिलहाल तुम ये देखो कि स्कैनिंग कितनी बेहतर हुई है। मतलब आसपास का सारा आइटम आपको बड़ा ही इजीली दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ इस स्किल के बारे में कि भाई ये स्किल ना भी लो तो भी चलेगा, मतलब कोई ज़्यादा यूनिक नहीं है। क्योंकि देखो लूट मिलना ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही रेयरली मिलती है, लूट तो आपको कहीं मिल जाती है। एक बंदे को मार भी दोगे तो उसकी पेटी लूट के आपको इनफ लूट मिल जाती है। तो ये वाली स्किल अगर आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा जो स्किल्स है वो बहुत ही औसम है। चलते हैं अपनी तीसरी स्किल की तरफ जिसका नाम है ब्लैक मार्केट। अब ब्लैक मार्केट सुनने से ही बड़ा अजीब लग रहा है। अब एक्चुअल में ये ब्लैक मार्केट क्यों नाम रखा है मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। ब्लैक मार्केट का मतलब है कि आप जहाँ चाहो वहाँ मार्केट बना सकते हो, समझ रहे हो, बेसिकली शॉप ला सकते हो। तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैं फिर से आ चुका हूँ अपना हेलोइन मोड वाले छोटे से नुन्नू से मैप में। एक सेकंड, नुन्नू सोच के गलत मत समझना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इस बंदे को मार लूँगा इस। अब देखो ये वाला भी जो स्किल है, मैं इसको यही कहना चाहूँगा ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट हाँ अच्छी है। अगर आप में से चार प्लेयर्स में से कोई एक प्लेयर्स को रखता है तो बड़ा ही औसम रहेगा। तो ये है इसका यूज़। यहाँ पर एक शॉप खुल जाएगी और दोबारा नई शॉप खोलने के लिए आपको 90 सेकंड का वेट करना होगा। इस शॉप में से आप सामान ले सकते हैं एंड इवन सामान लेने के बाद में आप इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो ताकि आपका एनिमी सामान ना ले पाए। देखो ज़रा, बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो यार प्लीज लाइक कर रहा हो तो मत भूलना। एम करते हैं 40,000 लाइक का एंड चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल जिसका नाम है ट्रेस। ट्रेस से पता चल रहा है कि हम एनिमी की लोकेशन को ट्रेस कर पाएंगे, बट यार इस वाली जो स्किल में है ना, इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है। अब वो क्या, वो आपको लोग बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। और ये स्किल कैसे काम करती है कि सपोज करो आपके सामने एनिमी है, आपने उसको गोली मारी, तो 5 सेकंड तक आप एनिमी की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से यार 5 सेकंड बहुत ज़्यादा कम है। मतलब 5 सेकंड क्या होते हैं यार, 5 सेकंड तो आप फुट ही सुन के बता लो। कम से कम वो अगर 10 या 15 सेकंड होती तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा था। तो चलो अभी मैं आप लोगों को बता दिया है मैंने, अब मैं इसे आप लोगों को गेम के अंदर दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो यहाँ हम चलते हैं बंदों को ढूंढने के लिए। लग रहा कोई गाड़ी आई है मेरे पास। अब देखो जैसे उसको गोली मारी, अब देख रहे हो उधर की तरफ निशान बना रहा है, मतलब कि मुझे पता चल पा रहा है कि वहां पर एनिमी है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, सामने एनिमीज है। ये देखो उसको गोली लगी, अब बस ये 5 सेकंड तक मुझे उसकी लोकेशन बताएगा। अब वैसे फीचर बहुत ही अच्छा है बट टाइम बहुत कम है। बाकी गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये स्किल आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं। मुझे स्किल अच्छी लगी बट एक कमी लगी कि यार 5 सेकंड सही में बहुत ज़्यादा कम है। अगर इसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता था तो और भी ज़्यादा मज़ा आता हम लोगों को। अब बाय द वे गाइस, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो जल्दी से एंड चलते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ जिसका नाम है लकी बैकपैक। अब बैकपैक से पता चल रहा है कि हाँ कुछ बैग जैसा मिलेगा। अब लकी बैकपैक है क्या, पहले आप लोगों को समझा देता हूँ कि जब अगर आप स्किल को सिलेक्ट करते हो तो पहले तो स्किल दिखाई नहीं देगी कि यूज़ हो रही है, बट ये सिलेक्ट हो चुकी है। और जब आप कूदोगे तो आपकी कमर पे ऑलरेडी पहले से ही एक बैकपैक होगा। अब इसकी खासियत देखो, इस बैकपैक की खासियत क्या है, आपको 5 गनों के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट मिलेंगे। सपोज करो आपके पास एक गन है, अगर आप जैसे उसे एक्स्ट्रा स्लॉट में रखोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो लकी स्लॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ये रैंडमली कोई भी दूसरी उसी टाइप की गन दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये स्नाइपर राइफल है, तो यहाँ पर मुझे दूसरी स्नाइपर राइफल मिल जाती है। अब मैं यहाँ पर देखो स्कारल डाल रहा हूँ तो मुझे कोई भी रैंडमली दूसरी AR मिल सकती है। देखो मैंने स्कारल डाली, अब रैंडमली कोई भी AR मिलेगी, और कौन सी हो सकती है, ये AKM। तो यहाँ पर ये काम ये करती है, उसके अलावा यहाँ पर ये आपके जो स्पेस को है, बैक के स्पेस को भी इंक्रीज कर देता है।
और उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है और उसकी कोई खासियत नहीं है। तो आप चाहो तो सही बताऊँ, ये बिल्कुल ही बेकार है। अगर सोचो किसी के पास ऑलरेडी एयर गन है तो वो इसका क्यों यूज़ करेगा। सपोज करो ना आपके पास स्कारल है, स्कारल डाल के आप AKM क्यों लोगे, या फिर हाँ अगर M4 निकलती तो अच्छी बात है, लेकिन बात है कि ये रेंडमली निकलता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। चलते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ जिसका नाम है हीलिंग स्मोक। अब गाइस सारी स्किल्स में से सबसे बेस्ट स्किल का अगर अवार्ड दिया जाए ना भाई, तो वो यही वाली स्किल है। अब ये स्किल कैसे बेस्ट है पहले देखो बताता हूं। यहां सामने देखो बंदे हैं, तो मैं उनको बॉट फायर करके अपनी तरफ बुला रहा हूं। चलो भाई आ जाओ, एक लॉक, दूसरा लॉक। अरे हुआ नहीं था क्या? अब यहां देखो मेरी हेल्थ कम हो चुकी है, लेकिन सोचो अगर पूरी टीम की हेल्थ कम हो जाए तो ये स्मोक ऐसे में भाई बड़ा ही कमाल का स्मोक का तो काम करेगा ही, आपकी हेल्थ को भी फिल करेगा मेरे भाई। देखो भाई मतलब ये स्मोक कर लो, इसमें खड़े रहो, फाइट लेते रहो, बस नॉक नहीं होना है। अगर आपकी हेल्थ कम होती रहेगी बार बार इंक्रीज होती रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ जिसका नाम है व्हीकल एयरड्रॉप। और हाँ मुझे बताना पिछली वाली स्किल आप लोग कैसी लगी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्किल है भाई वो। अब गाइस जो व्हीकल एयरड्रॉप स्किल है ये भी बहुत ही ऑसम है, मैं तुम लोग कैसे बताऊँ। आपके अगर चार प्लेयर खेल रहे तो एक बंदे को ये स्किल लेनी ही चाहिए, क्यों बताता हूँ पहले रुको देखो। अब इस स्किल के अंदर देखो क्या होता है बेसिकली कि आप लगभग 3 मिनट के अंदर हर बार एक नई गाड़ी स्पॉन करा सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पर फेंका, टाइमर चल चुका है 3 मिनट का, 180 सेकंड का, और यहाँ पर आपको एक गाड़ी मिल जाएगी। सपोज करो आप जोन के बाहर हो, आपकी पूरी टीम बाहर है, तो एक बंदे के पास अगर ये स्किल है तो वो आराम से गाड़ी मंगा के जोन में जा सकता है, और चाहो तो 3 मिनट बाद आप एक दूसरी गाड़ी मंगा सकते हो। तो मुझे भाई ये स्किल बहुत ही औसम लगी। बाय द वे गाइस भाई जितनी भी स्किल्स आप लोग देख रहे हो मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट और सबसे लास्ट स्किल जिसका नाम है ग्लाइडिंग डॉल। अब यार ये स्किल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि अच्छा बोलूं कि खराब, बट सही बताऊं तो हाँ मुझे थोड़ा सा इसे देख के अच्छा लगा, मतलब कि मैं कैसे बोलूं भाई, मतलब एक्साइटेड तो कर दिया इसने कि हाँ भाई ये स्किल भी यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो बेसिकली आपके पास क्या रहेंगे, दो डॉल्स रहेंगी, और दो डॉल्स जैसे आप यूज़ करोगे तो एक दूसरी डॉल यूज़ होगी, लेकिन दोनों एक साथ यूज़ हो जाएंगी, मतलब जब दोनों तो उनको चार्ज होने में लगभग 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पर। अब ये वाली स्किल का देखो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जैसे कि घरों पर ऐसे जा सकते हो, उसके बाद में आप छतों पर ट्रांसफ़र हो सकते हो, बट इसकी बस नुकसान यही है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं उड़ा सकता है आपको, बस थोड़ा सा मुश्किल से 2-3-4 मैक्सिमम 5 सेकंड आप हवा में रहोगे, उसके बाद ये आपको नीचे फेंक देगा। तो ऑलराइट गाइस ये थी आज की 8 स्किल्स। अब मुझे सबसे पहले आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि आपको सबसे बेस्ट स्किल कौन सी लगी। मेरी स्किल्स जो है सबसे बेस्ट वाली तो पहली तो गाइज वो वाली रहेगी जो हीलिंग वाला स्मोक था, दूसरा आप बोल सकते हो गाड़ी वाला, तीसरे नंबर पर मैं इसे भी ले सकता हूं। बाकी स्किल्स हैं तो भाई स्किल्स तो अपने हिसाब से काम करेंगी, सिचुएशन के हिसाब से हर स्किल का एक एडवांटेज होता है, हम फिर भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे बताना कि आपको कौन सी स्किल सबसे अच्छी लगी है। अब वीडियो चलेगी तो पहले एक लाइक कर देना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अभी आगे गेम प्ले आते रहेंगे, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।